नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आप सभी को पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं या प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और ख़ास करके हमारी MBBSC में, जिसमें कि हर साल प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, या तो सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या जो आंसर होते हैं उनसे नया क्वेश्चन बनाकर इनपुट कर दिया जाता है। तो इसीलिए हम आज MBBSC जो फॉरेस्ट का 2019 का मेंस का पेपर है उसकी चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने पेपर फर्स्ट का भी वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके वो देखिएगा। और जो आज का जो हमारा ये वीडियो होगा ये हमारा पेपर सेकंड का वीडियो होगा। शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्रों में नियंत्रक छड़ों को बनाने में का उपयोग किया जाता है। जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं उनमें जो नियंत्रक छड़ होती हैं उनको किससे बनाया जाता है, यानी जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं जब वहाँ क्रिया करवाई जाती है तो उस क्रिया को नियंत्रण करने के लिए एक छड़ का उपयोग किया जाता है। तो वो छड़ किसकी बनी होती है, तो वो छड़ जो होती है वो कैडमियम की बनी होती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा कण प्राप्त होता है। तो जो अभिक्रिया दे रखी है ये, इससे कौन सा कण प्राप्त होता है, तो इससे जो है बीटा कण प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी 4 फीट के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि 2 फीट की जो उसकी न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए तभी उसको 4 फीट के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। ये समतल दर्पण के लिए ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो किसी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगी। तो जो इसका आंसर जो हमारा होगा वो 4D हो जाएगी। जो 25 सेंटीमीटर की जो फोकस दूरी होगी उसकी फोकस दूरी 4D होगी, यानी कि 1D बराबर कितना होता है, तो 1D बराबर होता है 5 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक एंजाइम जो मानव पाचन तंत्र में अनुपस्थित होता है किंतु रोमन्थी जीवों के प्रथम आमाशय में एक विशिष्ट पदार्थ के पाचन हेतु पाया जाता है, इस पदार्थ का नाम क्या है। यानी कि जो मानव पाचन तंत्र होता है उसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन रोमन्थी जीव किसे कहते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर है, यानी कि जैसे कि आपकी गाय हो गई, आपकी भैंस हो गई या आपकी बकरी हो गई, जी उनके आमाशय को क्या कहा जाता है, उनके आमाशय को रोमन्थी आमाशय कहा जाता है। तो इसने पूछ लिया रोमन्थी जीव। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सेलुलोस के पाचन के लिए किया जाता है। ये याद रखिएगा, इसमें भी सेलुल है लेकिन ये मात्रा का मिस्टेक है, तो सेलुलोस का किया जाता है, सेलुलोस का। अगला है हमारा, राइबुलोज बाईफास्पेट कार्बोक्सिलेस नामक एंजाइम का कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण है, परंतु यह ऑक्सीजन स्थिरीकरण में ऑक्सीजिनेस के रूप में भी कार्य करता है। यह प्रक्रिया कब संपन्न होती है, तो यह प्रक्रिया कब संपन्न होती है, यह प्रक्रिया प्रकाश श्वसन क्रिया के, जो प्रकाश श्वसन होता है उस क्रिया के समय में, फोटोरिस्पिरेशन जब होता है उसके समय में यह क्रिया पूरी होती है। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न, C3 पादपों में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है। जो C3 पादप होते हैं उनमें से कौन सी क्रिया होती है, तो उनमें जो है ऑप्शन बी वाली क्रिया होती है, यानी कि CO2 सर्वप्रथम फास्फोग्लिसरिक अम्ल के साथ स्थिरीकृत होती है। जो CO2 होती है वो सर्वप्रथम फास्फोग्लिसरिक अम्ल के साथ स्थिरीकृत होती है C3 पादप में। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लाइकोलेट पथ के लिए निम्न किन किन कोशिकांगों की आवश्यकता होती है। जो ग्लाइकोलेट का पद होता है उस पथ के लिए किन किन कोशिकांगों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए सूत्रकणिका, हरित लवक और पैरा ऑक्सीसोम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लाइकोलिसिस के समय जब 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का परिवर्तन फास्फोइनॉल पाइरूविक अम्ल में होता है, तो इस प्रकार के फास्फोरीकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्रियाधर स्तरीय फास्फोरीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, एथिल अल्कोहल में जल में विलयशील है क्योंकि ये, जो एथिल अल्कोहल होता है वो जल में घुल जाता है, वो विलय हो जाता है क्योंकि यह ही, तो क्या है वो। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ये होगा कि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, इस कारण जो है वो जल में घुल जाता है। अगला है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया RP के लिए अभिक्रिया वेग व्यक्त होगा, जो वेग होगा वो किस सूत्र में व्यक्त होगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा,
माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 0.01 एम यानी मोल एन ए ओ एच विलयन का पीएच मान होगा। तो जो 0.01 मोल एन ए ओ एच है उसका पीएच मान पूछा है हमसे, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 पीएच मान होगा उसका। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो नाइलोन है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा हेबर प्रक्रम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, यानी कि जो हेबर प्रक्रम होता है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, तो उसके द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है NH3 का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा क्लाइमैक्स प्रजाति का अर्थ है, जो क्लाइमैक्स प्रजाति है वो उसका अर्थ क्या है, किसे क्लाइमैक्स प्रजाति कहा जाता है। तो जो अनुक्रमण के अंतिम चरण के जो जीव होते हैं उन्हें क्लाइमैक्स प्रजाति कहा जाता है, जो अनुक्रमण के अंतिम चरण के जीव होते हैं। अगला प्रश्न है भारत के जैव विविधता अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया है। तो भारत के जैव विविधता अधिनियम को 2002 में पारित किया गया है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस है, यानी कि जो जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा सही नहीं है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नई दिल्ली, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान बेरल सॉरी भोपाल, और मोक घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ये नई दिल्ली में नहीं है, ये अपने मध्य प्रदेश में ही है, जिसका आंसर ऑप्शन बी सही ये गलत होगा। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा एक ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा जो है वो कौन सी ऊर्जा है, नवीकरणीय है या गैर नवीकरणीय है या थर्मल है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नवीकरणीय है, क्योंकि इसको वापस बनाया जा सकता है, ख़त्म नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक व्यक्ति ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण की तरफ आ रहा है, वह किस गति से अपनी प्रतिबिंब की ओर आएगा। तो यह प्रश्न जो है ये फिजिक्स का है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका हमारा आंसर बता देते हैं हम यहाँ पर। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी से हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड से आएगा, यानी कि वो स्पीड का दुगना होता है। यानी कि ये याद रखिए, जो समतल दर्पण की तरफ आप व्यक्ति चलेंगे तो वो प्रतिबिंब जो है वो 2 मीटर पर डबल आएगा, यानी कि अगर 3 मीटर प्रति सेकंड है तो 6 मीटर प्रति सेकंड आएगा, हमेशा डबल कीजिएगा। अगला है जब एक पतला उत्तल लेंस समान फोकस दूरी के एक पतले अवतल लेंस से चिपका कर रखा जाता है, तब लेंस युग्म की फोकस दूरी क्या होगी। ये याद नहीं है, जब एक उत्तल और एक अवतल दोनों लेंस को एक चिपका दिया जाता है, यानी कि जैसे कि एक ये उत्तल लेंस अवतल लेंस हो गया और इसी में यहाँ पर एक उत्तल लेंस को चिपका दिया है, ये ऐसी आकृति बना दी है, तो इसकी फोकल लेंथ पूछी है हमसे, जिसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्योंकि एक मिनट में आपको फिर से बना के बता देता हूँ, ये जो हमारा दर्पण होगा ये अवतल दर्पण होगा और इसके पास में यहाँ पर आपको एक उत्तल लेंस चिपका कर दिया जाएगा, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी, इसका सेंटर यहाँ हो जाएगा, तो जो फोकल लेंथ होगी वो इनफाइनाइट होगी, उसको नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है हमारा एक मनुष्य 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता है, उसके दृष्टि दोष को ठीक करने हेतु लेंस की क्षमता होगी। यानी कि जो वो 50 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता है, तो उसका जो दोष होगा उसको किस लेंस के लिए ठीक किया जाएगा। तो उसको जो है वो -2 डायोप्टर की जो लेंस क्षमता वाला लेंस होगा उससे उसका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीवार में एक जिंदा तार छुपा हुआ है, इसके स्थान को देखा जा सकता है, उसको किससे देखा जा सकता है, तो उसको चुंबकीय सुई के द्वारा देख सकते हैं हम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। हमारा जो पहला पेपर ये सामान्य विज्ञान और पर्यावरण का ही है, तो इसमें से आपको विज्ञान के क्वेश्चन ज़्यादा आपको लिए नहीं, पेपर 2 जो होगा उसमें आपको विज्ञान ज़्यादा आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। अगला है हमारा AIDEA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो कौन सा क्षेत्र है, इसका क्षेत्र जो है कृषि है, जो ये AIDEA है ये कृषि से संबंधित है। अगला है हमारा भारत में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य
का निर्धारण कौन करता है? जो आपको MSP दी जाती है भारतीय किसानों को गेहूं, चावल, चना, ज्वार के लिए, तो बहुत सारे इसमें और भी फसलें रजिस्ट्रेशन होता है इनका और उनको मिलती है। तो जो उसका जो MSP होता है उसका निर्धारण कौन करता है? तो उसका निर्धारण जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है हमारा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस को सशक्त करने के लिए आरंभ की गई वेब आधारित पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का जो नाम है ई ग्राम स्वराज है, ऑप्शन बी सही होगा हमारा, ई ग्राम स्वराज। अगला है CSIR IGIB यानी जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान और टाटा संस द्वारा विकसित COVID-19 के लिए कम लागत वाले पेपर स्ट्रीट टेस्ट का किट का नाम क्या है? जो पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट है जो टाटा संस और किसके द्वारा बनाई गई है, जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान जो CSIR का हिस्सा है, उसको किट का नाम क्या है? तो उस किट का जो नाम है वो फेलुदा है, ऑप्शन बी से हो जाएगा, फेलुदा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हल्के से मध्यम COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए मौखिक एंटीवायरल दवा फेबीफ्लू विकसित की है? तो फेबीफ्लू किसने विकसित की है? तो ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने की है। जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है इसने जो है मौखिक एंटीवायरल दवा यानी कि जैसे कि आपको टीके लगे हैं, आपको टीके लगे हैं कोविशील्ड के, कोवैक्सीन के लगे हैं और अब बहुत सारी कंपनियों के आ रहे हैं फाइज़र मॉडर्ना के, लेकिन ये जो COVID-19 रोगियों के लिए जो है मौखिक दवा यानी कि मुंह से दी जाने वाली एक गोली की तरह जैसे आप बुखार या सर्दी खांसी में लेते हैं उस प्रकार की दवा बनाई गई थी एंटीवायरल फेबीफ्लू नाम से, तो किस कंपनी द्वारा विकसित की गई थी? तो वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स से की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर में उपस्थित एक महत्वपूर्ण स्कंदन रोधी यौगिक का नाम क्या है? जो हार्ट बीट होती है आपकी उसको जो बंद करने वाला होता है उस यौगिक का नाम पूछा है, तो उसका जो सही आंसर होगा हमारा वो हिपेरिन हो जाएगा। जो हिपेरिन स्कंदन यानी कि जो रक्त का थप्पा नहीं जमने देता है, तो कौन ही जमने देता है? आपका हिपेरिन नहीं जमने देता है, वो मैंने पहले गलत बता देता है, इसका सही होगा हिपेरिन यानी कि जो आपका रक्त का थक्का बनने में सहायक है। कौन है रक्त का थक्का बनने में सहायक? तो हिपेरिन। अगला है हमारा विकास का एक मुख्य बात जिसमें उपयोग व अनुपयोग नियम की प्रस्तावना को कहते हैं, उपयोग व अनुपयोग का जो नियम है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेमार्कवाद कहा जाता है, लेमार्कवाद। अगला प्रश्न है ह्यूगो डी ब्रिस द्वारा किस पादप में सर्वप्रथम उत्परिवर्तन देखा गया? तो ह्यूगो डी ब्रिस द्वारा जो सर्वप्रथम किस पादप में परिवर्तन देखा गया, तो वो ऑप्शन बी यानी आइनोथेरा लेमार्कियाना में देखा गया। किसमें देखा गया? आइनोथेरा लेमार्कियाना। अगला प्रश्न है हमारा जीवाणुओं में पाए जाने वाला अनाक्सी प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण से किस प्रकार भिन्न है? तो ये जो है इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, यानी कि जो जीवाणुओं में पाए जाने वाला अनाक्सी प्रकाश संश्लेषण है और जो उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है उनमें ये फर्क होता है कि उनमें एक में ऑक्सीजन मुक्त होती है और दूसरे में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सभी C4 प्रकाश संश्लेषणीय पादपों में पर्ण शरीर एक विशेष प्रकार की होती है जो कहलाती है, तो क्या कहते हैं इसको? इसको क्रेंज शरीर कहा जाता है, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंतरिकी। अगला प्रश्न है हमारा ईमेल को भेजने के विकल्पों में BCC का अर्थ क्या है? BCC का अर्थ क्या होता है? तो BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा ई कॉमर्स कंपनी को जो ई कॉमर्स कंपनियां होती है उनको कानूनी ढांचा प्रदान करने तथा साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत में पहला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया? जो ई कॉमर्स चलता है यानी कि जो इंटरनेट के थ्रू जो व्यापार होता है उसमें आपको जो कानूनी ढांचा प्रदान किया गया था और उसके लिए पहला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था? तो वो जो पहला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया था वो 2000 में आया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा उस प्रोग्राम का नाम क्या है जिसे कंप्यूटर के निर्माण के दौरान सेमीकंडक्टर चिप में लगाया जाता है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फर्मवेयर कहा जाता है इसे। अगला है हमारा केसर के पौधे के किस भाग का उपयोग केसर मसाला प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो जो इसका किया जाता है सूखे वर्तिकाग्र, जो उसका वर्तिकाग्र होता है उसको सुखा लिया जाता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है मसाले। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी का एक उदाहरण है? तो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी का एक उदाहरण कौन सा है? तो वो जो रोम जो है वो एक स्थायी मेमोरी है,
बाकी ये कैश मेमोरी और रैम मेमोरी जो है ये अस्थायी मेमोरी है, लेकिन जो रोम है वो एक स्थायी मेमोरी है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल जनित, हेजा, फ्लोरेसिस, इन्फ्लुएंजा या तपेदिक? तो इनमें से जो जल जनित कौन सी है वो हेजा है, यानी कि जो दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है तो वो हेजा बीमारी हो जाती है। बाकी तपेदिक और इन्फ्लुएंजा और फ्लोरेसिस है जो ये जल जनित नहीं है। अगला है हमारा, भूकंप के किस रिचर स्केल परिमाण पर मानव जनसंख्या को सर्वाधिक हानि पहुंचती है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो 6 से अधिक रिएक्टर का जब भूकंप आता है तब अधिक हानि होती है। अगला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, अम्ल वर्षा में किस अम्ल की सर्वाधिक मात्रा होती है, यानी कि जो अम्ल वर्षा होती है उसमें किस किस मात्रा सर्वाधिक होती है? तो उसकी H2SO4 की होती है। किसकी होती है? H2SO4 की। अगला है, विश्व स्तर पर कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो कार्बन का जो सबसे बड़ा भंडार है वो समुद्र है, वह है समुद्र में से सबसे ज़्यादा कार्बन की प्राप्ति होती है। अगला है हमारा, इस्पात की किस मिश्र धातु का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एल्निको का किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वल्नीकरण में रबर को निम्न तत्व के साथ गर्म किया जाता है? जो वल्कनीकरण होता है उसमें रबर को किस तत्व के साथ गर्म किया जाता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो सल्फर होगा, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, साबुन निम्न लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों के सोडियम लवण होते हैं, किन यौगिकों के सोडियम लवण होते हैं? तो ये जो वसी अम्ल होते हैं, फैटिक एसिड होते हैं, उनकी लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों के लवण होते हैं। अगला है, पोर्टलैंड सीमेंट में किसका प्रतिशत उच्चतम होता है? जो पोर्टलैंड सीमेंट आती है उसमें किसका प्रतिशत उच्चतम होता है? तो उसमें CaO का ज़्यादा प्रतिशत होता है, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। अगला है, आवर्त सारणी में 16वें वर्ग के तत्व कहलाते हैं? 16वां वर्ग होता है आवर्त सारणी में, उनके वर्गों को क्या कहा जाता है? तो उनको चैलकोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैलकोजन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित होती है, जो नेत्र की लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो उसकी फोकस दूरी जो होती है वो जो सिलियरी मांसपेशियां होती है, यानी सिलियरी मसल्स जो होती है, उनके द्वारा उनकी फोकस दूरी को कंट्रोल किया जाता है नेत्र की। अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्युतीय ऊष्मक जो 1000 वाट शक्ति पर 5 मिनट तक कार्य करता है तो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा होगी? तो इसमें जो है वो 3×10^5 जूल जो होगी वो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी। अगला है, चेन अभिक्रिया के कारण लगातार होती है, जो चेन अभिक्रिया होती है वो किसके कारण लगातार होती है? तो वो जो है वो विखंडन में अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं उसके कारण लगातार होती है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक तार जिसका प्रतिरोध R है वो 5 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तथा इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो R/R का अनुपात क्या होगा? तो R/R का जो अनुपात होगा वो 25 होगा, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। अगला है हमारा, दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है, यानी कि जो दिष्ट धारा होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो उसकी आवृत्ति जो होती है वो 0 होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? जो इंटरनेशनल एटम एनर्जी एजेंसी है उसका कहाँ पर मुख्यालय है? तो उसका जो मुख्यालय है वो वीना ऑस्ट्रिया में है, जो ऑस्ट्रिया में वीना है वहाँ पर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा एकल स्थल अल्ट्रा मेगा सोलर ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये रीवा में है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर 1 कार्बन क्रेडिट के समतुल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो किसे किया जाता है? तो ये जो है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को किया जाता है, यानी कि 1 कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? वो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। अगला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कामकाज की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? तो इसकी जो देखरेख करता है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय करता है। कौन करता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नोडल एजेंसी हैकिंग, फिशिंग और अन्य साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए अधिकृत है? तो ये कौन सी एजेंसी है? ये भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम है,
जो क्या है, ये जो शर्ट है, इंसर्ट बोलते हैं इसको, ये जो है ये इसके लिए नोडल एजेंसी है। अगला है हमारा वह, यह मध्य प्रदेश का लुप्त प्राय जीव नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश में से इनमें से कौन सा लुप्त प्राय जीव नहीं है, इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो नागराज हो जाएगा। जो नागराज है वो मध्य प्रदेश में लुप्त प्राय जीव नहीं है। अगला है जलवायु परिवर्तन पर अंतर राजकीय पैनल IPCC की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये जो स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो 1988 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा हमारा, 1988 में की गई थी। अगला है चेर्नोबिल न्यूक्लियर आपदा किस वर्ष हुई, जो चेर्नोबिल में जो न्यूक्लियर आपदा हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, तो वो जो है वो 1986 में हुई थी, 1986 में हुई थी, 86 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर आपदा हुई और उसी के दो साल बाद यानी 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर राजकीय पैनल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है हमारा यूट्रोफिकेशन किस तरह का प्रदूषण, जो यूट्रोफिकेशन है वो किस तरह का प्रदूषण है, तो वो जो है वो सतही जल प्रदूषण है, यानी कि जो सतह पर जो जल पाया जाता है, सतह जल, उसमें जो प्रदूषण होता है उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अगला है ब्लू बेबी सिंड्रोम प्रदूषित पानी में किसके उपयोग से होती है, तो ये किसके उपयोग से होती है, ये नाइट्रेट के उपयोग से होती है। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी है वो प्रदूषित पानी में नाइट्रेट की पाया जाता है उसके कारण होती है। अगला है हमारा रक्त आदान के लिए संयोज्य किस रक्त समूह के रक्त का सीरम में कोई रोग या प्रतिकारक मौजूद नहीं होता है, तो ये जो होता है ये AB में होता है, ऑप्शन ए में से, या रोग प्रतिकारक नहीं होता है, रोग प्रतिजैवी नहीं पूछा है, रोग प्रतिकारक पूछा है, AB हो जाएगा, रोग प्रतिजैवी पूछते तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाता। अगला प्रश्न है हमारा जुरासिक काल किस युग से संबंधित है, तो जुरासिक काल जो है वो ऑप्शन सी यानी मेसोजोई काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा बुक लंग्स किसके श्वसन अंग है, जो बुक लंग्स जो होते हैं वो किसके श्वसन अंग है, तो वो बिच्छू के श्वसन अंग है बुक लंग्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा मानव के निषेचित अंडों में ऑटोसोम्स की संख्या होती है, जो मानव के निषेचित अंडे होते हैं उनमें ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो उनमें ऑटोसोम्स की संख्या 44 होती है, कितनी होती है 44, 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, होते टोटल 23 है यानी कि 46, बाकी उनमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, उनका कोई निर्धारण नहीं होता, लेकिन जो 23वां होता है वो XY होता है, और XY और जो महिला होती है उसमें XX होता है, अगर XX का संयोग होगा तो महिला मतलब जो बच्चा होगा वो फीमेल होगा, और YX जो होगा वो मेल होगा। तो जो इसने क्या पूछा है कि ऑटोसोम्स पूछे हैं, तो ऑटोसोम जो होते हैं वो 44 होते हैं, बाकी जो दो और बच्चे होते हैं वो ऑटोसोम्स नहीं होते हैं, वही लिंग निर्धारण करते हैं। अगला है हमारा स्तनधारियों के किस अंग में लेडिंग कोशिका पाई जाती है, जो लेडिंग सेल्स होती है वो कहाँ पर होती है, तो लेडिंग सेल्स जो होती है वो टेस्टिस में होती है, यानी कि जो मानव के वृषण होते हैं उसमें होती है। अगला है हमारा वाणिज्यिक लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, तो वाणिज्यिक लोहे यानी कि जो लोहे का शुद्धतम रूप है वाणिज्यिक यानी कि जो उद्योग धंधे में काम लिया जाता है वो पिटवा लोहा जो है वो शुद्धतम रूप है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है जल के अणु की संरचना किस प्रकार की होती है, तो जल के अणु की जो संरचना होती है वो बंकित होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा गैल्वेनीकरण में लोहे की सतह पर निम्न धातु का आवरण चढ़ाया जाता है, जब गैल्वेनीकरण किया जाता है तो उसमें लोहे की सतह पर किस धातु का आवरण चढ़ाया जाता है, तो उसमें जो है वो जिंक का आवरण चढ़ाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला है चूना पत्थर से अनबुझा चूना प्राप्त कराने की अभिक्रिया की प्रकृति होती है, जो चूना पत्थर से अनबुझा चूना प्राप्त करने की अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है, तो उसकी प्रकृति जो होती है वो ऊष्मा शोषी होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला है कौन सी गैस एक द्वितीयक प्रदूषक है, यानी कि इनमें से गैस दे रखी है ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन और मेथेन, तो इनमें से कौन सी जो द्वितीय सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, तो इसका जो आंसर होगा वो ओजोन हो जाएगा, ओजोन जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। अगला है हमारा जैव प्लास्टिक किस पदार्थ से बनता है, तो जैव प्लास्टिक होता है वो मक्का के स्टार्च से बनता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा गोबर गैस बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो जो गोबर गैस होती है उसका मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा अधिक जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD जल में प्रदर्शित करती है, तो जो BOD होती है वो जल में किसे प्रदर्शित करती है,
तो वह जल में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति एवं प्रदूषित जल को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तपन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी है। जो वैश्विक तपन है यानी कि जो विश्व में जो जलवायु तापमान जो बढ़ रहा है विश्व का, उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन सी है, तो उसके मुख्य रूप से उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मानव रक्त में बहुतायात से पाया जाने वाला ग्रेन्यूलोसाइट है। जो मानव रक्त में बहुतायात से पाया जाने वाला ग्रेन्यूलोसाइट क्या है, तो वो जो है वो बेसोफिल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पुरकिंजे कोशिकाएं पाई जाती है। जो पुरकिंजे कोशिकाएं पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, यानी पुरकिंजे सेल्स जो होती है वो अनुमस्तिष्क का जो कॉर्टेक्स होता है वहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अश्वचेतक की तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाओं से स्त्रावित एक पदार्थ गर्भाशय के संकुचन एवं भ्रूण जनन के लिए जिम्मेदार होता है, तो वह क्या है, तो वह जो है वो ऑक्सीटोसिन होता है। जो ऑक्सीटोसिन होता है यानी कि जब डिलीवरी होती है तो उस वक्त जब अधिकांश, ये इसमें तो अश्वचेतक की पूछी है लेकिन जितने भी आजकल जो सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी होती है या किसी प्राइवेट में वगैरह में, तो जब डिलीवरी देती है तो अगर महिला को डिलीवरी में दिक्कत आ रही है तो एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। उससे क्या है कि उसके गर्भाशय में संकुचन की जो रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है और जिससे जो डिलीवरी होने में मदद आसान हो जाती है, तो ऑक्सीटोसिन से ये होगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, तनाव की स्थिति में हाइपोथैलेमस में से किस हार्मोन का स्त्रावण बढ़ जाता है। यानी जब तनाव होता है तब हाइपोथैलेमस एक हार्मोन का स्त्रावण करता है, वो हार्मोन कौन सा होता है, तो वो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, ACTH होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। जो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है उसका उदाहरण क्या है, तो उसका उदाहरण ग्लाइकोजन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला है F2C F2 इक्वल टू CF2 निम्न का एकलक है, ये किसका एकलक है, तो ये जो है ये टेफ्लान का एकलक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, सिडेराइट अयस्क का संगठन क्या है। जो सिडेराइट अयस्क होता है उसका संगठन पूछा है हमसे, तो उसका जो संगठन होगा वो FeCO3 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है। थर्मोसेटिंग बहुलक कौन सा है इनमें से दिए गए, इनमें से तो जो बेकलाइट जो होता है बेकलाइट वो थर्मोसेटिंग बहुलक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से एक धातुमल है, धातु ये जो दिए गए हमें इनमें से धातुमल कौन सा है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, FeSiO3 जो है वो एक धातुमल है। अगला है, पीतल निम्न धातुओं से बनी मिश्र धातु है। यानी कि पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है, लेकिन इसको बनाने के लिए कौन किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए कॉपर और जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर और जिंक जो मिलाया जाता है तो पीतल का निर्माण किया जाता है। अगला है हमारा, एक लंबे सीधे धारावाही चालक से एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुक्रमानुपाती होगा, तो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो वो जो है वो 1/x के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि जो दूरी है उस दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है, लेंज का नियम संरक्षण के नियम का ही परिणाम है। जो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही परिणाम है। ऑप्शन सी सही हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फैराडे के नियमानुसार जब एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है उस पर प्रेरित कुल आवेश निर्भर करता है, तो वो जो आवेश जो है किस पर निर्भर करता है, तो वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन पर निर्भर करता है। जो चुंबकीय का जो फ्लक्स होता है उसके परिवर्तन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है हमारा, 92U 235 नाभिक से प्रति विखंडन ऊर्जा लगभग उत्पन्न होती है। जो यूरेनियम का जो 92235 जो नाभिक है उसके विखंडन से कितनी ऊर्जा लगभग उत्पन्न होगी, तो उसके विखंडन जो से जो है वो 200 MeV जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है हमारा, 80 AS धारिता के विद्युत संयोजक से कितनी स्थिर धारा ली जा सकती है, तो इससे कितनी स्थिर धारा ली जा सकती है, तो इससे 4 एम्पियर की धारा ये वो 20 घंटे तक लगातार ली जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी ने देश के युवाओं में डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, FSSAI किस कंपनी के साथ साझेदारी करके भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऐप विकसित कर रहा है। तो जो FSSAI है जो फूड कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करती है वो किसके साथ भोजन को बर्बादी करने की रोकने के लिए ऐप बना रहा है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो नेस्कॉम फाउंडेशन होगा।
ऑप्शन बी सही होगा हमारा, ये जो है FSSAI नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ मिलकर ये बना रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला पिको सैटेलाइट क्या है? तो भारत का जो पहला पिको सैटेलाइट है वो स्टटसैट है। क्या है? स्टटसैट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, नेटवर्क कंजेशन होती है, नेटवर्क कंजेशन क्या होती है? तो नेटवर्क कंजेशन जो होती है वो यातायात ओवरलोडिंग जब होती है उस समय होती है नेटवर्क कंजेशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है? बस, कार, त्रिभुज या इनमें से कहीं नहीं। तो जो ऑप्शन ए जो होगा वो जो बस ही, ये कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, बाकी कार और त्रिभुज जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का पेपर यहीं पूरा हुआ, और आज के पेपर में हमें ये देखने को मिला कि इस पेपर, ये जो हमारा पूरा पेपर है ये पर्यावरण एवं सामान्य विज्ञान का है। तो अगर आप दोस्तों का अच्छा सपोर्ट होता है और आप इस कुछ सहायता चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो हम जो है आगे एक साइंस का पूरा वीडियो बना देंगे जो मैराथन वीडियो होगा। लगभग उसमें 400 से 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, जिससे आपकी जो सामान्य विज्ञान की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। एक वीडियो हम बायो के लिए बना देंगे जिसमें हमारी बायो में आ जाएगा, एक वीडियो जो है हम है वो केमिस्ट्री के लिए बना देंगे, और एक वीडियो जो है हम फिजिक्स के लिए बना देंगे। तो ये आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा, हम जल्द से जल्द इसको बनाने की करेंगे। और अगर इसका जो पेपर का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।